आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो खुद तो साइकिल पर चलते हैं और वो भी हेलमेट लगा के, और संदेश देते हैं यातायात नियमों के पालन करने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश प्रजापति से। करीब 17 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में बड़ी मुश्किल से जीवित बचे रहे रमेश कुमार प्रजापति ने उसी दिन से संकल्प लिया था कि अब बाकी की जिंदगी लोगों को जागरूक करने और समाज सेवा में लगाएंगे। बस उसी दिन से रमेश कुमार प्रजापति ने अपने साइकिल पर यातायात नियमों से संबंधित पट्टियां लगाकर, खुद हेलमेट लगाकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग जरूर करेंगे, अपने मतों को देश और प्रदेश के विकास में सहायक बनाएं, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम रमेश कुमार प्रजापति, हेलमेट वाला। जी, आप ये साइकिल पर हेलमेट लगाकर इतने सारे यातायात के संदेश दे रहे हैं, उद्देश्य क्या है आपका? हमारा उद्देश्य ये है कि जो हम हेलमेट साइकिल पर इसलिए हेलमेट लगा चल रहे हैं जी, जनता को संदेश दे रहे हैं जी, कि बिना हेलमेट के जी मोटरसाइकिल न चलाओ जी। और ये हम कहते हैं कि अगर मोटरसाइकिल चलाओ तो हेलमेट लगाओ, स्वयं सुरक्षा पाओ, यातायात के नियम अपनाओ जी। अच्छा, कितने सालों से आप ये जागरूकता का संदेश? 17 साल हो गए। 17 साल हो गए जी। जी, अच्छा, साइकिल से कहाँ कहाँ आपने यात्रा की और क्या क्या संदेश दिया है? ये आगरा है, शाहजहानपुर, लखीमपुर, झांसी, ओरछा, कानपुर, लखनऊ, उरई जी। अब आपकी पहली बार आए हम जाना। अच्छा, इसी साइकिल से आप चलते हैं? साइकिल से भ्रमण करते हैं, जहाँ भी जाते हैं साइकिल से भ्रमण करते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे संदेश यहाँ लिख रखे हैं कि घायलों को अस्पताल पहुँचाइए, हेलमेट का इस्तेमाल करिए और यातायात नियमों का पालन करिए, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे इंस्पायर होकर आपने ये बात अपनाया है? 17 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया जी, साइकिल मोटरसाइकिल जी। उसी दिन से हमारे एक जुनून ऐसी हो गई जी, आज से हम हेलमेट लगा के चलेंगे, तभी से हम हेलमेट लगा के चलते, बराबर हेलमेट लगा के चलते। अच्छा, और जनता को संदेश भी दे रहे हैं। अच्छा, तो आपने ये बात अपना संदेश लेके जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं कहीं विरोध भी इसका सामना भी करना पड़ता होगा? हाँ, कभी कभी लोग जो है कहने लगते हैं कि आप जो है ये जैसे कि मोटरसाइकिल हेलमेट लगा चल रहे हैं आप हो, और जो है कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है, हेलमेट लगाए हुए इंसान एक्सीडेंट हो जाता है जी, तो उससे किया कि हमने भाई जो कि अब हो गया एक्सीडेंट हो गया मान लो, पहले भी कहते हैं कि धीरे अगर धीरे धीरे चलोगे जी तो बार बार मिलोगे, अगर तेज रफ्तार चलोगे तो भैया सीधे शमशान घाट। हमारा ये कहना है कि धीरे चलो और हेलमेट लगा के चलो। अच्छा, मैं मतदान की प्रक्रिया भी स्टार्ट होने वाली, विधानसभा चुनाव सर पे हैं, तो ऐसे में आपका क्या संदेश है? हमारा ये संदेश है कि देखिए, वोट डालिए जी, वोट को बर्बाद मत करिए जी, किसी में दीजिए उससे मैं कोई टेंशन नहीं है जी, लेकिन वोट डालिए। अच्छा, यही मेरा कहना, वोट डालिए, वोट बर्बाद मत करिए। मोबाइल नंबर किन किन के मोबाइल नंबर है? ये अच्छा, मतलब जहाँ जिस क्षेत्र में आप हैं, अगर वहाँ कोई घटना दुर्घटना होती है तो तत्काल आप इन नंबरों की सहायता से लगभग कितने नंबर होंगे इसमें? नंबर मोबाइल मतलब नंबर जाना है।